आइए जानते हैं बॉलीवुड के उन 6 शादियों के बारे में जो होते होते रह गई। नंबर 1। वीडियो की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड फिल्मों के सदाबहार रोमांटिक अभिनेता देवानंद और बला की खूबसूरत अभिनेत्री गायिका सुरैया जी से। अगर ये मोहब्बत मुकम्मल हो जाती तो शायद इतिहास में उसी तरह दर्ज की जाती जैसे सुनील दत्त और नरगिस जी की मोहब्बत की जाती है। इन दोनों का इश्क भी तब परवान चढ़ा जब फिल्म विद्या की शूटिंग करते हुए इनकी नाव पलट गई। तब देवानंद ने सूझबूझ दिखाते हुए सुरैया जी को बचा लिया। सुरैया ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरी जान तो आज चली ही जाती। इस पर देवानंद ने जवाब दिया कि अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी ही नहीं मेरी भी जान चली जाती। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों के प्यार के पीछे धर्म की दीवार आ गई। सुरैया जमाल शाह मुसलमान थी और इसी कारण देवानंद के साथ उनका रिश्ता सुरैया जी की नानी को तनिक भी पसंद नहीं था। वो हमेशा सुरैया पर सख्त पहरा लगाए रहती थी ताकि देवानंद उनसे मिल ना सके। एक दिन जब किसी कारणवश सुरैया की नानी स्टूडियो से घर चली गई, तो देव साहब जब सुरैया जी के मेकअप रूम में जा घुसे, उस दिन देवानंद ने सुरैया जी को शादी का प्रस्ताव देते हुए एक अंगूठी भी भेंट की थी। जब इस बात का सुरैया जी की नानी को पता चला तो उन्होंने देवानंद की दी हुई अंगूठी सुरैया के हाथों समंदर में फिकवा दी और इस बात से देवानंद का दिल साफ साफ टूट गया और दो प्यार करने वाले सदा के लिए बिछड़ गए। नंबर 2। वीडियो में अगली जिस जोड़ी का हम जिक्र करने वाले हैं, वो कोई और नहीं बल्कि देवानंद के बड़े भाई चेतन आनंद और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री प्रिया राजवंश हैं। दोनों की मुलाकातों का सिलसिला फिल्म हकीकत से शुरू हुआ और फिर ताउम्र साथ चलता रहा। जहां प्रिया राजवंश चेतन आनंद की आने वाली सभी फिल्मों का हिस्सा रही, तो वहीं प्रिया राजवंश ने सिवाय चेतन आनंद के ही किसी और निर्देशक के साथ काम ही नहीं किया। यूं तो दोनों की उम्र में 15 सालों का बड़ा फासला था और चेतन पहले से ही शादीशुदा भी थे, लेकिन दोनों में मोहब्बत कमाल की थी और इसी मोहब्बत ने दोनों को इतना बेचैन कर दिया कि समाज की परवाह किए बगैर एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। हाँ, इस दौरान दोनों बराबर प्रयास करते रहे कि उनकी जोड़ी को सामाजिक मुहर लग जाए, यानी कि शादी हो जाए, और इसमें सबसे बड़ी अड़चन थी चेतन आनंद की पहली पत्नी, जो एक धार्मिक महिला थी और उन्हें तलाक पर तनिक भी विश्वास नहीं था। उनका मानना था कि शादी जन्म जन्मांतर तक चलने वाला बंधन है और इसी कारण वो तलाक के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं हुई। नतीजतन एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी प्रिया राजवंश और चेतन आनंद सामाजिक तौर पर कभी भी पति पत्नी नहीं कहला पाए। इस कहानी का अंत इसलिए भी बेहद दुखद रहा क्योंकि चेतन आनंद की मृत्यु के बाद वसीयत में प्रिया राजवंश को चेतन आनंद का बंगला मिला, लेकिन ये बात चेतन आनंद के बच्चों को गवारा नहीं हुई। नतीजतन बड़ी बेरहमी से प्रिया राजवंश की हत्या कर दी गई और इसमें चेतन आनंद के ही बेटे शामिल पाए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा भी हुई। नंबर 3। अब बात करते हैं बॉलीवुड फिल्मों के मशहूर निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई और 60 के दशक की मशहूर अदाकारा नंदा जी के बारे में। अभिनेत्री नंदा जी बला की खूबसूरत थी और बल्कि उनमें अभिनय की कला भी कूट कूट कर भरी हुई थी। फिल्म जब जब फूल खिले के निर्देशक सूरज प्रकाश बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान भारतीय सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने मुझे उनका विवाह प्रस्ताव लेकर नंदा जी के माँ के पास भेजा, पर इसका परिणाम बिल्कुल भी कुछ नहीं निकला। दरअसल नंदा अपने घर वालों की देखभाल के लिए शादी ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनके घर वालों ने कई रिश्ते लाए पर वो हर बार उन रिश्तों को ठुकराती रही और ये क्रम अगले 20 से 25 सालों तक जारी रहा। यहाँ तक कि उनकी मित्र मंडली, जिनमें आशा पारेख, साधना, वहीदा रहमान और नंदा शामिल थी, जिन्होंने फैसला किया था कि वो कभी शादी ही नहीं करेंगे, लेकिन समय के साथ लगभग सभी ने शादी कर ली। नंदा अब प्रौढ़ हो गई थी, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि अब उनकी आत्मीयता निर्देशक मनमोहन देसाई के प्रति बढ़ने लग गई थी, जो उनकी पहली पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले रह गए थे। कहते हैं कि अभिनेत्री वहीदा रहमान की सलाह पर साल 1992 में दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन इसी दौरान एक दिन मनमोहन देसाई का अपने घर के छत से गिरकर दुखद मृत्यु हो गई। कई लोग ये भी मानते हैं कि अपने प्रोडक्शन हाउस की लगातार फ्लॉप होती फिल्मों पर अपने गिरते रसूख से दुखी होकर मनमोहन देसाई ने आत्महत्या कर ली थी। खैर, जो भी हुआ हो, पर इस तरह से जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी नंदा जी अकेले ही रह गईं।
नंबर 4, वीडियो में आगे जिक्र करते हैं जंपिंग जैक यानी कि जितेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के बारे में। हेमा जी सिर्फ नाम से एक ड्रीम गर्ल नहीं थी, बल्कि वो उन दिनों के कई दिग्गज अभिनेताओं के सचमुच में ड्रीम गर्ल बन गई थी। जी हाँ, इन अभिनेताओं में शामिल थे संजीव कुमार, धर्मेंद्र और जितेंद्र। कहते हैं कि फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार हेमा मालिनी पर अपना दिल हार बैठे और फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते उन्होंने अपनी माँ के हाथों हेमा जी के घर में रिश्ता भिजवा ही दिया, जिससे हेमा जी की माँ ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उनकी बेटी की उम्र अभी शादी के लायक नहीं है। इसके बाद भी संजीव कुमार ने हार नहीं मानी और अपना प्रेम प्रस्ताव जितेंद्र के हाथों भी भिजवा दिया, जो कि उन दिनों हेमा जी के साथ फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे। अब कहा जाता है कि जितेंद्र ने संजीव कुमार के प्यार के विषय में हेमा मालिनी को पूरी तसल्ली से बताया और जब उन्होंने पूरी तरह से ये जान लिया कि हेमा के मन में संजीव कुमार के प्रति कोई भी आकर्षण नहीं है, तभी उन्होंने अपनी चाहत के बारे में हेमा मालिनी को खुल के बता दिया। खैर, फिल्म दुल्हन की शूटिंग खत्म होने के बाद जितेंद्र ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और उन्होंने तुरंत अपने परिवार वालों को, अभिभावकों को मद्रास बुलाया और हेमा मालिनी से भी ऐसा ही करने को कहा। उसी शाम को दोनों परिवार हेमा के बंगले पर रिश्ता पक्का करने के लिए इकट्ठा हुए और उसी दिन जितेंद्र ने हेमा मालिनी के घर वालों के सामने तिरुपति जाकर विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। परंतु हेमा जी ने पक्का निर्णय यानी कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले कुछ समय की मांग कर दी। जितेंद्र तो बहुत निराश हो गए, लेकिन उनके पास अब कोई चारा भी नहीं था। आखिरकार वो हेमा जी पर दिल जो हार बैठे थे। आखिरकार वो मान गए और इसके बाद इस जोड़ी के बीच में क्या कुछ घटित हुआ, इसके बारे में कई तरह की अटकलबाजियां लगती रहती हैं। कुछ लोगों ने हेमा के अस्पष्ट निर्णय ना ले पाने को दोषी ठहराया तो कुछ अन्य बातें कहते हैं। कुछ ने जितेंद्र को निर्णय लेने में धैर्य खो देने का जिम्मेदार ठहराया। कहा तो ये भी जाता है कि शोभा कपूर और धर्मेंद्र ने आखिरी वक्त पर शादी को रुकवाने का काम किया और दोनों को समझा बुझा कर ये मसला हल किया गया। खैर, बात जो भी हो, पर अटकलों का ये दौर 31 अक्टूबर 1974 को तब खत्म हुआ जब जितेंद्र ने शोभा सिप्पी से शादी कर ली। गौरतलब है कि इस दौरान धर्म जी भी अपनी तरफ से बराबर कोशिश करते रहे और शोले, जुगनू, प्रतिज्ञा, चरस आदि कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान हेमा जी पर अपना जादू कुछ यूं चलाया कि अंत में दोनों शादी के बंधन में बंध ही गए। नंबर 5, अब बात की जाए 80 के दशक के चॉकलेटी हीरो गौरव कुमार और राज कपूर की लाडली बेटी रीमा कपूर के विषय में। राज कपूर और राजेंद्र कुमार में बहुत अच्छी दोस्ती थी और आगे चलकर दोनों ने इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला किया। कहते हैं कि कुमार खुद भी कपूर खानदान के बहुत करीबी थे और उन्होंने फिल्म प्रेम रोग में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया था। नतीजतन राजकुमार की बेटी रीमा कपूर और राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव की सगाई हो गई। दोनों का परिवार बहुत करीब था, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई और कुमार गौरव की पहली फिल्म लव स्टोरी के रिलीज होने के साथ ही हर तरफ ये खबर उड़ने लगी कि फिल्म अभिनेत्री विजेता पंडित और कुमार गौरव प्यार में हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। कुमार गौरव सच में विजेता के प्यार में पड़ चुके थे और उन्होंने जब अपने पिता से शादी की मंजूरी मांगी तो उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया। उधर राज कपूर को जब इस प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली तो तत्काल ही उन्होंने सगाई तोड़ दी और कहा यह भी जाता है कि राज कपूर हमेशा से फिल्मी परिवार में शादी करने के खिलाफ थे और ये वो समय था जब उनके दो बेटों ने अपनी ही हीरोइन से शादी कर ली थी और तीसरा बेटा राजीव कपूर भी अपने पिता की फिल्म प्रेम रोग की हीरोइन पद्मिनी से प्रेम की पींगे पड़ रहा था। इन सब से भी राज कपूर बहुत नाराज हुए और जब उन्होंने कुमार गौरव के जरूरत से ज्यादा शराब पीने और अपनी हीरोइन के साथ अफेयर के किस्से सुने तो तुरंत ही उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। पर कुमार गौरव अब एक मझधार में फंस चुके थे। एक तरफ उनके पिता थे तो दूसरी तरफ वो प्रेमिका और अंत में जीत पिता की हुई। कहा जाता है कि कुमार गौरव उन दिनों बहुत बुरी तरह से टूट गए थे और इस विषम परिस्थिति में उनको सहारा मिला अपने मित्र संजय दत्त और उनकी बहन नम्रता दत्त से, जो आगे चलकर कुमार गौरव की पत्नी भी बनी। नंबर 6, अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की शादी। कहते हैं कि फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया की शूटिंग के दौरान दोनों को वाकई में एक दूसरे से प्यार हो गया और कुछ समय की डेटिंग के बाद दोनों ने आखिरकार सगाई कर ली। उस समय के कई अवार्ड फंक्शन में जया बच्चन ने करिश्मा कपूर को अपनी बहू के रूप में संबोधित किया था।
लेकिन इस शादी में अड़चन बना करिश्मा कपूर की माँ का एक फैसला, जो अभिषेक बच्चन के लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों को देखते हुए उन्होंने लिया था। दरअसल करिश्मा कपूर की माँ बबीता जी चाहती थी कि सामाजिक सुरक्षा के लिए करिश्मा कपूर के नाम पर बच्चन परिवार कुछ पैसे जमा कराएं। उसे करने से बच्चन परिवार ने साफ इनकार कर दिया। नतीजतन ये सगाई आखिरकार टूट गई। यही नहीं, इस रिश्ते के टूटने के कारण कपूर और बच्चन परिवार के रिश्ते में सदा के लिए दरार आ गई और कई साल तक करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन साथ में किसी फंक्शन में दिखाई देने से भी आनाकानी करते रहे। जी हाँ, तो ये थी बॉलीवुड के उन 6 शादियों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति जो होते होते रह गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।